नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार, हाँ नरेंद्र पारा सर नमस्कार। बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ पहचान गया मैं। हाँ सर, हाँ पास बोले मैंने और सुना। आपको हाँ अभी पहले भी कांटेक्ट किया था, फोन नहीं लग रहा था आपको। हाँ 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 नहीं, इधर उधर रखा गया होगा। अभी बाथरूम से आया तो देखा कि मिस कॉल पड़ा था, एक दो का भी और पड़ा हुआ है। थक जाता हूँ, क्या करें शाम तो आ इसी में। जाती है सर। तो सारे और चारों तरफ पंचायत चिंता में कमीशन चल क्या चल रहा है, आप क्या हो रही है आपको? रहा है अभी। अब देखिए, 4 तारीख को पेशी भी है और इधर शासन के दबाव के लिए 3 तारीख को दिल्ली पहुंचना है। वो तीनों स्टेट के हिसाब से वहां पे क्या कैसा क्या बनाया जाए, इसकी चर्चा भी होनी लगे। अब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव दिया जाए। एक दो ही मुद्दे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव दिया जाए कि भैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी खोज खबर अपन लोग प्राइवेट आदमियों के पास तो है नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट अपने को सहारा पहले से था, आज भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी कंपनी के जो भी ऑफर आया है उसमें से भुगतान तो करे। 49,100 करोड़ रुपए का है लाइबिलिटीज, तो जब इतना आ चुका है तो उनको किसी को दे वो। लेकिन एक चीज हो रही है ना, उसमें लीगल फाइट करने के उसमें सर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं ना, उस ओर तो जाना चाहिए ना। जैसे ये 11 सवाल पूछे गए हैं तो 11 सवालों के जवाब भी सर तलाश करना चाहिए अपने को, बिल्कुल अपने सही अपने सीनियर को देना चाहिए ना इसको। सर मैंने आपको भी वो पहले भी भेजा था, अब भी भेजा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सर ये 11 सवालों के जवाब तो पहुंचाओ वहां तक, मैनेजमेंट तक। भाई किसी प्रकार से कोई प्रपोजल भी आ गया, दूसरी कंपनी का ही आ गया ये आपको तो पीएसी सारे में। सवाल जितने भी हैं मैनेजमेंट के जो सीनियर टच में थे उन्हीं के पास है ये जवाब। हाँ तो अपन लोगों के पास तो है नहीं। अरे सर अपन लिंक तो थे, उन लोगों ने बिजनेस तो करवाया अपने को, मीटिंग कर वो करके लिंक केपीएस थे, गिल आए तारीख थे हुई। उस समय, उन्होंने कहा था कि हम मैं तो 1 लाख के स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि तुम्हारा पैसा मैं दिलवाऊंगा। आप कहाँ कौन गए बोला थे? केपीएस था? गिल, गिल साहब आए थे ना यहाँ पे तो जब गिल सैनिक। साहब तो आ गए लाइन पे, आ गए, वो भी आ गए लाइन पे। उनको अरे सर लाइन पे तो आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैनेजमेंट में ये दबा के जो बैठे हैं साले, 3 मतलब 5 लाख करोड़ की जो संपत्ति हो रही है, वो 5 लाख करोड़ की संपत्ति आज लोढ़ा समिति के पास कितनी है? 29,000-30,000 करोड़ की संपत्ति केवल वो है अटैच, तो बाकी कहाँ गई? और बेच रहे हैं ये आए दिन, मतलब उन्होंने रजिस्ट्री कैंसिल करवाई वहां पटियाला में, वो चंद्रशेखर जी ने जगह जगह। तो मतलब आपने आपने भी तो कोई प्रोसेस होना चाहिए सर, अपना दूसरे स्टेट से हो गया। अपनी भी प्रोसेस उसी नियम पे चल रही है। और लीगल एडवाइजर के लिए अपन लोग पहले साल भर पहले किए थे, तो अपने में तो फैला पसरू लोग हो जाते हैं। नहीं फैला पसरू की एक बात समय नहीं तो सर। ऐसे लोग आ गए कि हाँ अब इससे पेमेंट हो रहा, हाँ इससे पेमेंट हो रहा। हाँ अपन ये कह रहे हैं कि लीगल इंडिया लेवल पे एक सुप्रीम कोर्ट पर वकील, जिसकी भी चर्चा भी हम लोगों ने कर लिया, 5-6 लाख रुपए लेके, एक मुश्त लेके, वो जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक लड़ने को तैयार हुआ। लेकिन हर आदमी चंदा तो उस देना ही पड़ेगा, तो इन लोगों ने दूसरा अभियान छेड़ दिया। नहीं सर मैं एक चीज बताऊं आपको, अभी डोर टू डोर अपन जो काम कर रहा है ना, ये वाला जो काम कर रहा है इसमें सब अगर तनवन धन से 192 जिले के 10-10 तो लोग चाहिए अपने को। अपने को ये जब आंदोलन करते हैं तो अपने को लाखों से लोग चाहिए, वो लाखों से जो चंदा दे के जाते हैं वो चंदे का भी कोई यूज नहीं हो रहा है। मतलब अभी तक रिजल्ट में क्या है कि अपने लिए रिजल्ट शून्य है अभी। भाई आज तक जो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे अपन ने चंदा लिया, तो जितने भी कार्यक्रम होते थे उस समय लेते थे। बहुतों को तो यह है कि चंदा बहुत ले लिए। 16 लाख इंडिया लेवल पे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन हुआ, हाँ उसमें से इतने धरने हुए, इतनी सारी चीजें हुई, तो जो आता था उसमें भी पेंडिंग अभी भी पड़ा हुआ। आदमी मानता है कि इतना चंदा कर लिए। जैसे हम और आप भी जाते थे तो
हजार 2 हजार की मदद कर देते थे, जाते थे और आते थे, और जो बन जाता था उतना कर देते थे। उससे ज्यादा भी जो खर्च करने वाला होता पता चलता है, लेकिन नजर में तो ये हो गया कि चंदैया करते। हम जब व्हाट्सएप देखते तो सब जगह यही कि चंदा हो रहा। आज साल 1.5 साल से हो गए हमने मांगने बंद कर दिया। हमने कहा कि और कोई भी जितने भी हैं सभी इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा एन और केन पैसा मिल जाए। सर एक चीज है, आप तो फिर आप जानते ही हैं ये चीज, आपको 10 लोग अगर सक्रिय मिल रहा है और 10 लोगों के साथ अपन 11 सवालों को अगर ढूंढे, चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम तो पूछेंगे ना सामने वाले को, अपन ने तो पैसे दिए ना उसको। चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे। आप तो आगे कदम बढ़ाइए कि वहां अपन अपने से जुड़ा हुआ कौन है, अपने से ऊपर वाला है उसको पकड़े। जैसे अब हम हमारी हमारी लिंक में आप थे, हमने सर होता क्या है कि आज लोकल में, जैसे लोकल में हम किससे, हमारा कस्टमर किससे बात करेगा, हमसे करेगा, हम किससे बात करेंगे, आपसे करेंगे। आपसे ऊपर कौन है वो अगर फोन नहीं उठा रहा है तो उनके पास अपन चल के और उनसे संपर्क करें कि साहब ये तलाश करो आप, ये हमारी फाइट में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और लास्ट मोमेंट तक अगर हम मैनेजमेंट के पास ये सवाल पहुंचा देते हैं, भाई वंगू 11वां सवाल वंगू जी के पास है, पास है, कौन करेगा उसका भुगतान, कौन जिम्मेदार था इसका, और तुम संपत्ति दबा के बैठे हो, तो मतलब आज तुम ये इस तरह के मतलब जालसाजी वाले काम क्यों कर रहे हो निवेशकों के साथ। चलो ये भी कर लेते हैं, अभी मैं 3 तारीख को उधर से लौट के आ जाऊं। हाँ अभी ये भी मीटिंग कर लें, क्योंकि अब तो आना जाना ये भी तो मैं बंद ही कर रहा हूँ स्वास्थ्य की वजह से, और चारों तरफ की जो झंझटें, तो आधा तो ये दिमाग खराब की है। और जो भी है और सब लोग लगे हैं अपने अपने स्तर से, तो सभी लगे हुए हैं। अभी कमलनाथ जी से मिले, अब फिर मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप अपनी तरफ से सेंट्रल कमिटी, नहीं तो उनका भी जो आया था लीगल पे, उन्होंने विशेष वो किया है उस दिन, मैंने सुना था उनका। उनने पूछा कि आपने लीगल फाइट में कहाँ तक पहुंचे हो, आप कोर्ट में आपने क्या क्या किया है। निकले की तैयारी अब चल रही है, उसी के लिए ये बैठक भी होगी, ये सारी चीजें अब वहाँ पे चर्चा होगी। क्योंकि सर एक चीज तो जब ही समझ लेना चाहिए, जब अरुण जेटली से इतनी इतनी बार मिले आए, इतनी बार आंदोलन करके, तो अरुण जेटली ने कहा कि लोड़ा समिति कमेटी आपको वो देगी, भुगतान देगी। भाई उन्होंने कमेटी गठित कर दी है सुप्रीम कोर्ट के उसमें। दूसरी चीज क्या है कि राजनीतिक दल तो क्या है कि अगर ये जैसे विभिन्न अपने संगठन के भी कई लोगों ने जमीनें हथिया हथिया के बैठे हैं, और साथ में क्या राजनीतिक शरण ले रहा है बीजेपी के कई कई नेताओं ने, मतलब इसमें साथ में साठगांठ करके और जमीन हथिया रखी है, तो वो लोग राजनीतिक प्रेशर से कुछ नहीं होना सर। गवर्नमेंट कोई सी भी आती है जाती है, गवर्नमेंट को क्या करना, लेकिन जब जिस आधार से होगा तो सब प्रकार का प्रयास है, तो वो भी कर लेते हैं। जो चीज चल ही रहा है, आज 6 महीने से तो हो गया ये 192 जिले का और 11 सवाल का है, चल तो ये रहा, पूरा प्रदेश देश लगा हुआ है चारों तरफ से, जैसे कहीं से भी है सब लोग तो लगे हुए सर। आदमी का प्रयास अपने अपने, तो आपके स्तर से कितना प्रयास जो है वो चल रहा है, हमारे स्तर से जो प्रयास वो चल रहा है, दूसरे प्रदेशों का स्तर से जो प्रयास है, सभी का प्रयास चल रहा है। इतना उलझा हुआ मैटर हो गया है कि अब क्या बताएं। अपन ये चाहते थे कि जमीन है इसके पास, जमीन बेचेगी दे दी, यही सुनने में आता था। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया कि जमीन बेचो दे दो। अब यहाँ पे खाने वाले रेवड़ी सरीके इतने इतने ये नहीं महसूस करते कि गरीबों को पैसा लगाए, इनका तो पैसा मिल जाए, तुम खा जाओ। नॉट फॉर सेल वाली प्रॉपर्टियां बेच बेच के सालों ने खा गए दलाली में, नहीं तो इनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है कि जो भी खा गए तो मरेंगे साले, तो ये तो मरेंगे, अपन पीछे पड़ेंगे तो मरेंगे सर। अपन इनका पीछा नहीं छोड़ना है ना, सबसे बड़ी बात ये। ये तो पीछे तो आदमी पड़ेगा ही, जब पड़ेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, और पड़ा ही है आदमी पीछे तो पड़ा ही है, कहीं ना कहीं से एक एप्लीकेशन बहुत बड़ा काम कर रही है। आपने आदमी सर, आपने मैं बताऊं आपको, जब हम बिजनेस हमने किया
उस समय आपने मीटिंग दी, मीटिंग के आधार पर हमको ये 12वीं रैंक तक के या वहां तक के आपने सीनियर बताया कि दिल्ली तक ये है, मैनेजमेंट में ये है, ये लोग जब जवाबदार हैं तो अपन इनकी पूंछ पकड़े ना, इनकी पूंछ पकड़ के खींचते हैं कि देखो अब तो करवाओ इसमें मदद हमारी, तो ले आओ, तो एक बार और एप्लीकेशन ले आओ तो भेज फास देते हैं, ये भी तो करते हैं। नहीं अपन कभी जैसे वो फोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, ये अपने समद भाई आओ तो बैठे तो बात करते हैं उनसे, फिर लगाते हैं अगर उठा लेते हैं। हाँ तो मतलब वो या तो उठाए नहीं तो फिर उनका आपको भी बात करवा देते हैं उसमें क्या है, साथ ही हाँ, वो क्या जवाब तलब करते हैं वो पता चल जाएगा। हाँ अपन तो वो मतलब बोल तो है कि थोड़ा इलाज तो करें अपन, हाँ आ जाओ मिलके इलाज करें, उसमें क्या दिक्कत। हाँ चलो तो एक बार मुलाकात हो, अभी लौट के आ जाऊं उधर से, फिर मैं तो यही रहूंगा। हाँ तीन को तो है मीटिंग, तीन को वापस आ जाऊंगा, ज्यादा रुकूंगा नहीं, ठंड का दिन भी है, वैसे भी डॉक्टर मना किया अकेले चलने फिरने को। नहीं नहीं साथ चलेंगे सर, आपके साथ हमने जैसा पहले सहयोग करा वैसी सहयोग करेंगे, लेकिन आप हमको भी सहयोग करो आप इसमें। नहीं सहयोग तो है ही है, सहयोग किस आधार का, सहयोग तो यही है कि आज इतने 4 साल से तो सब अपने अपने में रहे, हम तो दौड़ते ही रह गए, अब क्या करें। जो पर सवाल इस चीज का है कि आदमी फॉल्ट निकालता चला जा रहा है, नहीं नहीं फॉल्ट से काम नहीं हो, समाधान कैसे होते, एक मुश्त सब लोगों को जुटना पड़ेगा। सर फॉल्ट तो क्या, फॉल्ट तो अपनी सर्विस में ग्राहक निकाल लेगा ना। फॉल्ट क्या निकाले, फॉल्ट आप एक दूसरे के निकलेंगे फॉल्ट, चाहे राजनीतिक अकड़ा हो चाहे प्राइवेट अकड़ा हो, ये क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसा उलझा दिया है, इन लोगों ने ऐसा उलझा के रख दिया है कि हमारे और आपके ऑर्गेनाइजेशन बना है, जरूर बना है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कहाँ है इतना कि दौड़े, हर वक्त दौड़ता रहे। राजनेता भी दौड़ता है तो किस लिए दौड़ता है, वो फायदे के लिए दौड़ता है, अपन लोग फायदे के लिए नहीं दौड़ रहे, अपन लोग तो इनकेन कैसे भी यार सहयोग मिल जाए और पब्लिक का पैसा मिल जाए। अब आप ये कानपुर वाले विकास त्रिपाठी जी, वो कौन सा लोकदल गठित करके और अब राजनीतिक वो कर रहा है बातें, वही मैं कह रहा हूँ कि अपने लोगों में से हट हट के एक मुश्त न होके अलग अलग अभियान छेड़ दिए। तो अब वो राज अब वो अब उनका उद्देश्य क्या है, लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेंगे, वो साली वही कहावत हो गई है कि प्यासे को प्यास कुएं के पास न जाके पहले अब कुएं ही खोद रहा है। हाँ अब वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे फिर पैसा दिलवाएंगे। हाँ अब कौन समझाए इनको, इन किसी को सब अपनी अपनी मनगढ़ंत मर्जी का चल रहा है, पैसा का किसी को चिंता नहीं है कि पब्लिक का पैसा मिले, जो चिंतित है वो लाचार, जो चिंतित होता वो लाचार हो जाता है। हमने हमने सर सीहोर जिले की इतनी दिन कार्रवाई करवाई के वहाँ के मैंने मतलब सीहोर जिले के जो प्रमुख हैं AISO के, वो ही कहने लगे कि यार आपने तो हमारी पूरी कार्रवाई आपने कर डाली है। बिल्कुल मैंने देख लिया व्हाट्सएप में सभी लोगों का नाम मोबाइल नंबर सारी चीजें मैं सब देखता रहता हूँ। अब ये प्रश्न यही है कि देखना है कार्रवाई जो चल रही उसी में तसल्ली होती है। आपने कार्रवाई कर दी, उधर तिवारी जी भी लगे हुए, तो प्रदेश में तो आपने कोई न कोई तो लगा है, अपने अपने मत के अनुसार सभी लोग तो लगे हुए, अब देखो परिणाम कहाँ निकलता है। हाँ थोड़ा सा आप अगर जैसे इसमें सहयोग कर देंगे ना अगर, तो अपन उन लोगों तक पहुंचेंगे जो असली इसके वो हैं। क्या है इनसे अगर वो फोन उठाते हैं तो आप आ जाइए, फोन लगाएंगे, फोन से बात करवा देंगे, और जो लेटर डालना है उनका एड्रेस पता लेके और वो उनको लेटर डाल देते हैं। हाँ है ना, वही चीज़ें ये तो कर लेते हैं। हाँ ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह से हर आदमी का प्रयास यही कि हमारा एन के हमारे गले का फंदा हट जाए बस। वो गले का फंदा तो जब ही हटेगा ना, जब एक लिंक में अपन बात करेंगे कि भाई आप तो लीगल फाइट में आ जाइए, आप जिस तरह मतलब आपने ये दवा के रखी है ना, इधर इधर मतलब लड्डू बांट रहा हो तुम, और जिनको जो भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे उनको दे नहीं रहा हो आप। बिल्कुल सही, तो उसके लिए कम से कम इंतजाम तो हो उनका। वो भी क्योंकि पूरे देश में तो अभियान छिड़ा हुआ है, यही इसका
नहीं अभियान छिड़ा हुआ है सर, लेकिन ये राजनीतिक दल जैसे अब वो क्या नाम है उनका, गोयल है, कौन है कहा वो जो महेंद्रपाल सिंह जी के साथ बैठे थे, क्या नाम उनका, मैं तो पता नहीं, यदि ये सब पार्टी बनाने वाले साले भड़क रहे हैं, और जो काम जो पब्लिक का एकत्रपन था वो सब भंग कर दिए चारों तरफ से आके, तो इसमें शासन भी यही चाहती है फुटफट किए रहो, झंझट खत्म, वो साले चीखते चिल्लाते रहे, हाँ तो वही तो बात बस है सब तुमने। भटक रहे इधर से उधर। 1 सूर पे आज ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत आज इतना बड़ा अभियान है, उन्हीं में से सब निकल निकल गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सबको ये सूत रहा है कि मैं राजनेता नहीं बना। सर आने, चार पब्लिक एकत्रित हो जाती है तो सोचते हैं हाँ में हाँ मिला देते हैं, फिर दूसरे दिन नजर नहीं नहीं आते। वो चीज तो फिर गलत है, वो ये करना भी नहीं चाहिए इनको। यही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज उसी की बदौलत इतना बड़ा संगठन पूरे हिंदुस्तान में PSL के भुगतान की कार्रवाई हुई, और उन्हीं में से सब नेता बन बन के तैयार आइए, होके और आप फुटफट कर आपके जो दिए। कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी तो कूद के वहां चले गए, क्या वही तो कि जिसी को सोचो कि नाम मैं है थोड़ा उनका, बढ़ेगा अवैध हुए, तो अवैध हुए। हाँ वो सब जितने वो उधर सुरेश जाट को बनाए थे तो वो पता नहीं कहाँ का पेमेंट दिलवा रहा था, वकील की सेफ्टी में लेके अपन लोग चल रहे थे, वो दूसरा छोड़ दिया हाँ इनको कि भाई मैं अस्वस्थता महसूस करता हूँ, कोई तो आगे आए तो ये आए तो वो अपना अलग अलग डाल दिए, मतलब मध्य प्रदेश में यही हालत हो गई। हाँ मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, मतलब लोगों ने जो करी है तो कुछ ना कुछ वो लीगल फाइट में भी आ गए लोग। अच्छा, हर आदमी के जो दिमाग में बैठ रही है विवेक नहीं लगाना, थोड़ा सा धैर्यता के साथ में कोई चीज का निर्णय नहीं लेना, अपनी अपनी मर्जी और नहीं करो तो वो अध्यक्ष ऐसा, अरे अध्यक्ष के पास पैसा आ गया कि पेमेंट नहीं करवा रहा, कोई चीज में टांग अड़ा रहा है अध्यक्ष की नहीं करवा रहा, अध्यक्ष तो ये कह रहा है कि इसके परिणाम ऐसे हो रहे हैं भैया, तो ये भी सोच लो पहले, नहीं और उसके उसी अब में बुराई है। ये जैसे हमने दे के आए हैं सीओ जिले में, चंदेल साहब एसपी साहब से मिलना है, तो उसमें थोड़ा सा आप सहयोग करना। आप वहां से भोपाल से आना, हम इधर सीओ से आएंगे और चंदेल साहब से बात करेंगे कि साहब हमने जो 16 पन्ने की एप्लीकेशन दी थी उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, बिल्कुल और एजेंटों की बिल्कुल भी डाली है और सब कुछ डाला है, यहाँ की प्रॉपर्टी का भी वो शो करा है। भाई, वो अपने CS ठाकुर साहब को प्रॉपर्टी सीओर की जितनी थी तो वो पूरी लिस्ट बना के दे दी थी, पता चला आप लोगों को? हाँ पता चला ना, मैं मिला भी बोल था एक बार तो सीएस ये साहब देखिए, से। इनको देखिए, यही तो सब प्रॉपर्टी है, तो कोई कहीं भी बेच बेच चाहे बेच नहीं रहा लेकिन कब्जा तो किए हुए, कब्जे करा हुआ है, अब आप जाओगे तो वो तो आपको डंडा मारेगा ना, तो इसके लिए तो शासन ही कार्रवाई कर सकती है ना। कई सर जगह से क्वेश्चन उठते हैं कि आपने क्या नहीं किया। हम गए थे उनसे मिले थे एसपी सर से, तो उनने हमसे ये कहा था कि आप चुनाव के बाद आइए, मैं आपको वेलकम करूंगा, और कहने लगे इसकी कार्रवाई उच्च स्तरीय कार्रवाई हुई है, अब हमें किस स्तर की कार्रवाई करना है, यहाँ पे जांच दल अगर गठित करना पड़ा तो हम जांच दल गठित करेंगे इन प्रॉपर्टियों के, उसके लिए। जो हो गई अब इसका भी बखान कर देते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में अलग इसका DGP नियुक्त कर दिया गया कि इसकी चिट फंड के खिलाफ, वो अवैध वाटिंग कर दिया कि ऐसे ऐसे टाइम पास करने के लिए, तो अपने में तो एक से बढ़ के एक कलाकार है, इतने बड़े होशियार, अरे भाई कहीं से हो रही है तो उसका इंतजार तो करो, तुरंत ही थोड़ी हो जाएगा, इंतजार करोगे तो उसके परिणाम जो आते हैं वो हर स्टेट में फिर लागू होगा। हम लोग इतना आज तीन तीनों तीनों स्टेट में कितनी मेहनत की होगी, तो आज उसका परिणाम भी है तो उसका भी तो देखें, अब तुरंत ही बहुत से डाल देते हैं भैया आप तो जीत गई है तो पैसा दिलवा दो, अरे अभी तो वो अपना मंत्रिमंडल ये वो दुनिया का नाटक कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा धैर्य से बैठ तो जान दो, तो फिर आदमी मिले, उसके लिए भी चार आदमी को मिलना पड़ेगा एक साथ जाके, आज यहाँ पे कोई किसी को भी बोल दो तो कोई किसी काम में बिजी, कोई किसी में, मोबाइल और नंबर 1 का झूठा बता देंगे मैं है ही नहीं, अरे भैया तो थोड़ा अपना काम करो लेकिन वक्त में तो समय पे टाइम दे दो, जिससे कि एकता बनी रही, और एकता में खंडन अगर हो गया
तो हो गए, भटकते रहो अपनी अपनी मर्जी चलाते एकता नहीं रहो। सर, एकता नहीं, अपने को तो क्या है, एकता इसी में दिखाना है कि आप थोड़ी लीगल फाइट कर लें। अपन राजनीति क्या, ये राजनीति सीख रहा है लोग, मतलब आप AISO संगठन की कह रहे हो ना, AISO संगठन में से कई लोग मतलब टूट टूट के राजनीति करने लगे हैं। वो राजनीति तो भाई संगठन तो वही था ना, वही स्टार्ट किया, उसी में से पार्टियां तो एक से अनेक बनती हैं। हाँ। वही कंपनियां भी एक PGF से लेके आज तक 3-4 कंपनियां बन गई। आदमी उस चीज को नहीं समझेगा, पहले इस कंपनी में चूतिया बने और आज ये संगठन बना रहे हैं, तो इसमें भी अलग अलग होके तो 4 आदमी को चारों तरफ मोड़ लिए, एक एक हो गए। वही तो कह रहे हैं कि अब इतना लंबा अपन खींचेंगे ना तो और लंबा खींच जाएगा, 5-1 साल और लग जाएंगे। अरे वो जितनी देरी हो रही है, जितनी देरी हो रही, अब हम लोगों ने लोड़ा कमेटी और सेबी को जो लिख के दिया, उसका उन्होंने कि भैया आप किसी को निर्णय तो दिलवाओ, लिफाफा भिजवा दिए, वहां पे जाके बहस भी तो करो। तो उस भाई हम कहते हैं 49,100 करोड़ है, हमें 22 अगस्त 14 की स्थिति में 49,100 करोड़ का आपकी देनदारी आपने घोषित की थी। आपके पास पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने दे दिया, कहीं इजहार नहीं किया, तो आपको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप 49,100 करोड़ तो पहले पे भुगतान करो, फिर देखा जाए लाखों करोड़ों जितनी भी, पहले जो पब्लिक का देनदारी है वो तो निश्चित कर दो, दे दो। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर ये BJP शासन चाहती तो एक लेटर खाली लिखती कि आए दिन पूरे हिंदुस्तान में ये कौन सी कंपनी का प्रकरण है, धरना प्रदर्शन होता रहता है, सेबी और लोढ़ा को लिखती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा और देश में ये धरना प्रदर्शन हो रहा, इसकी अवहेलना क्यों की जा रही, तो अभी पेमेंट हो गया होता। तो शासन खुद नहीं चाहिए, जानते हुए भी आंख मूंद के बैठे हुए, कान में तेल डाल के धरने प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करवाता है, बाकी तो और ही नहीं, लेटर तो लेके अधिकारी लोग अपना बैठे रहते। कितनी बार ज्ञापन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिए, एक भी लेटर का सेंट्रल को नहीं गया। ज्ञापन नहीं सर, जो मतलब जो अपन लीगल नोटिस उनका जो देंगे ना, जगह जगह अपन लीगल कार्रवाई करेंगे तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पे अपन पीछे पड़ने में कहीं पीछे रह गए। हाँ नहीं नहीं तो पीछे तो पड़े ही है, लीगल में भी पीछे ही। अब आप लोगों ने भी लेटर दिया, वो बना लीजिए और आज आइए तो एक दिन अपन बैठ के चर्चा करते और सबको फोन करते। अब हमारे पास तो OC रखी हुई है, तो हम तो हमने झांझा भेजी राष्ट्रपति राज्यपाल, वो रखना वो बहुत जरूरी है, वो रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल भी पूछ सकते हैं तो भैया हमने ये अवगत कराया है और ये सारी चीज होने के बावजूद भी हमारा गरीबों का पैसा नहीं मिला और काम गवर्नमेंट का है। हाँ, भाई उस समय जैसे अपन लोग कहते हैं कि उस समय अपने को 49,100 करोड़ रुपए आज से मतलब 3 या 4 साल पहले का था। आज की कंडीशन में आज उपभोक्ता अगर लेट हो रहा है तो आज तो 1.5 लाख करोड़ हो गया ना ब्याज से। अरे मैं ये कहता हूँ आज अभी गोल्डन फॉरेस्ट का 22 साल के बाद मिला है, तो मूलधन का 70% उसको भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसका भी चेयरमैन बैठा हुआ था, सारी चीज साला। अब ये इसमें तो अपन लोग कम से कम पीछे पड़े हुए पीछे पड़े हैं, तो इसका रिजल्ट तो आना है, लेकिन जितना गवर्नमेंट डिक्लेयर किया उतना तो पहले भुगतान कर दो। मैं अपनी सोच कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्याज बढ़ गए कि ये बढ़ गए। अरे मूलधन के तो लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अपन ऐसा भटक जाते हैं कि इतना मिल जाए, अरे मूलधन तो वापस आ जाए, जो ब्याज सहित 49,100 करोड़ 50,000 करोड़ जो है, और कम से कम नहीं तो 3 गुना आपके पास डिक्लेयर्ड जमीन है वही दे दो भैया, हमको नहीं मतलब, आप जहां मन पड़े वहां डाल लो, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो पैसा दिया पैसा दो, प्रॉपर्टी तो उसकी सब जगह बिखरी पड़ी है, तो अधिकार तो गवर्नमेंट का होता है ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो अब कोई कोर्ट है नहीं, तो अब आप उसके आदेश का पालन कर लो, बस हो गया, पब्लिक का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आदेश ही तुमने कहा गवर्नमेंट को करा है और कमेटी गठित की है, तो कमेटी के अधीन तो मतलब वो प्रॉपर्टी भी तो होना चाहिए क्लियर मैनेजमेंट में। वही चीज तो ऑर्डर के आधार से सेबी और लोढ़ा कमेटी को ही फेड करना पड़ेगा,
इसके लिए कोई दिमाग चलाता नहीं, बस कहीं ना कहीं उलझा रहता। और हमें तो यही समझ में नहीं आता कि किसी की कोई चाल है क्या कि चारों तरफ पब्लिक को बरगला देते हैं तो पब्लिक भटकती रहती, नहीं एक मैनेजमेंट, टूर पे कोई जा ही नहीं पा रहा। नहीं मैनेजमेंट की इसमें चालबाजी दिख रही है सर कि मैनेजमेंट ऐसी चालबाजी चल रही है। बिल्कुल यही कि चार जगह फैला दिए, फैलारा कर दिए कि इसको ये लाली लाली पॉप दे के बगरा दो, इसको ये लाली पॉप दे के बगरा दो, साले भटकते रहे वो लोग। और ये लीगल फाइट का अपन ये इसलिए कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने की है, चंद्रशेखर जी ने जैसे पटियाला में की है वहां पे की है, तो रजिस्ट्री जो हो गई थी इनका पैसा मतलब मिल चुका था लोगों वो कैंसिल हो गया। मध्य प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी बिक गई है किसी को पता? कितनी प्रॉपर्टी है इसका लेखा जोखा सब जिलों को बोल तो सर मैं आप, नहीं। आप मैं जब आया था आपसे सिग्नेचर करवाने के लिए उस समय आप नहीं, 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 नहीं देखा था कि वो जो दमो दमो के वो बैठे थे क्या नाम उनका सचिन सचिन जैन वो कैसे पड़े थे मतलब उनके दमो में ही मतलब प्रॉपर्टियां बिकी। तो उनने उसके लिए मैं बताने आया था, मैं ये करने नहीं आया था कि मतलब सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहने आया था कि भैया इस तरह आप एप्लीकेशन वगैरह तो दो। नहीं तो वो तो वैसे ही रुकवाई थी, मेरे नॉलेज पे था तो वहाँ पे तो वैसे ही। और वो भी कौन सा रजिस्ट्री जिसके नाम से वो थोड़ी आया था, फिर भी वो रुक गई कि ये बिकना नहीं चाहिए। वो तो उसका व्हाट्सएप में भी किए थे, नहीं बिकी तो फिर उसका हमको भी खबर आई थी तो हमने तुरंत जिला अध्यक्ष को फोन किया कि किसी भी चीज रुकवाई। वहां तो 3 दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में ये लोग घूमते ही रहे, तो जो जानकारी आती गई उसमें तो एक्शन होता गया जो ऑर्गेनाइजेशन से बन सकता है। व्यक्तिगत तो इसमें किसी से दुश्मनी ले ही नहीं सकते। अभी तो इतने बड़े बड़े जमीन के ठेकेदार हैं, उनसे अगर अपन हम आपको बोल दें कि सीहोर जिले में 2200 एकड़ जमीन, अब आप तलाशते रहिए और कहीं जाके और कोई कब्जा किए उससे जाके लड़ाई झगड़ा करिए, तो वो पर्सनल मामला हो गया ना। इसमें तो पुलिस को ही हस्तक्षेप करना है। उससे लड़ेंगे गाय के लिए अपन तो देख के आएंगे किसका कब्जा है, और कब्जा आके और उसके वहां पर पंजनामा बना के बाकायदा आके इनको रिपोर्टिंग करना। यही जैसे शिवनी थी, शिवपुरी थी, तो इन जगह यही है कि एप्लीकेशन लगा दो आप, और एक एप्लीकेशन लग जाती वो जमीन बिकती है। यही तो करवाए। और व्यक्तिगत मैंने सबको बोल दिया, हमने कहा व्यक्तिगत भावना से आप किसी के प्रति वो न रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का काम है एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लेटर में लगा के रजिस्ट्रार को और एसपी कलेक्टर को दे दीजिए। नहीं अपन ने जैसे वो लिया क्या नाम उसका सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट के आधार पर क्या पेमेंट क्या था उसका प्लाट साइज। आप भाई भूखंड अगर है ही नहीं दूसरे के नाम से प्लाट कहाँ से मतलब आप भुगतान कहाँ से लोगे? तो अपन भुगतान की मांग ना करते हुए उसका अपन तो ये कहें कि भाई हमारी जो मतलब प्रॉपर्टी है कंपनी की वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, अब निवेशकों की है क्योंकि निवेशक बीच में झूल रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को मूलतः मतलब वो पीएसएल की प्रॉपर्टी चाहिए हमें। हाँ तो भाई जो जमीन अपने नजर पे आ रही पीएसएल पे उसी में रोक लगाना है, भला ही आपके नाम से नहीं, क्योंकि प्लाट का साइज तो कहीं का कहीं दिया हुआ तो उससे मतलब नहीं, कंपनी की है ना। और हम निवेशक हैं, हमने निवेश किया था, हमारा प्लाट कहाँ है ये वहाँ भी रुकेगी यहाँ भी रुकेगी, क्योंकि ये भी तो किसी को अलॉटेड है। हाँ इसलिए रुकवाना जरूरी होता। हाँ दूसरी चीज क्या है सर, आपको भोपाल में क्या डलवाया? भोपाल में डलवाई नहीं डलवाई, भोपाल में भी तो है प्रॉपर्टी। भोपाल में 50-56 एकड़ जमीन है। हाँ भोपाल प्रॉपर में भी तो है वो कुछ पता लगाया था मैंने, 50-56 एकड़ जमीन है। अब वो साला जिससे भी पता लगवाते तो वो है, वो जिस उसी के कब्जे में है जिसकी जमीन, तो उसकी भी तो अपन वो डाले एप्लीकेशन वहां से डलवाते थे आपके। वो बोल दिए जिला अध्यक्ष को कि भैया आपने इस तरह से उसकी लेटर बाजी कर दो, तो किए हैं कुछ तो किए हैं। और कलेक्टर को भी दे दिया था मैंने तो खुद अपनी तरफ से कलेक्टर दे दिया, भोपाल में इतनी इतनी जमीन का ब्यौरा है और उनको ये सेल ना हो क्योंकि ये आम निवेशकों के पैसे से परचेज की हुई जमीन है। तो उसके पुख्ता प्रमाण अपने पास रखें कागज में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर? अरे उसकी तो 3-4 बार पेशी भी किया हूँ और फिर जा जाके थक गया, मैं भी थक गया।
अभी साय जी को भर भेज देता हूँ। नहीं तो वो कागज आप तो कलेक्ट करके रखिए, फिर एक दिन आके और बैठ के और अपन चर्चा कर गुरु, लेंगे। अब वो उनको ऑफिस रिकॉर्ड में डलवा दिया हूँ। अच्छा कोई जब करे तो करे क्या, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कोई बाबू है क्या मेरे पास? कभी अरे कभी बाबू तो मेरे बाबू थोड़ी सर, हम तो आपको हम बाबू बन के कर लेंगे काम, आप तो बताइए आप। अरे पार्षद जी कोई नहीं आता, आपको उतनी दूर से बुलाऊंगा, आना जाना वो मेरे कोई तकलीफ होती है? यहाँ पे लोकल, जब भी तो कहा हूँ कि लोकल पे आदमी 10 आदमी भी सक्रिय रहे तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा काम होता है। आप क्या है कि अपन 10 बार ना बचते हुए अपने जिले के आसपास भी अगर बचेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों की नजर में आ जाना चाहिए अपना काम। हाँ वो सही है, वो जब ही तो जिनको मैं चाह रहा था कि चलो ये थोड़ा दौड़ धूप कर ले तो वो नेता ही बन जाते, वो सोचते तो पूरी पूरा काफिला मेरे ही आए हो गए। हमने कहा भैया मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो कम से कम आप लोग पहुंचिए, ये सलाह मशविरा दे रहा हूँ, ये सरदार से चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़े नहीं कि फिर लीडर बन जाते, सबसे बड़ी कमी तो यही है। चलो ठीक है, आओ तो एक दिन वो चर्चा करेंगे और वो समझ भाई को फोन लगाएंगे, बात करेंगे और उनसे सारी जानकारी भी देंगे और लेंगे, है ना? और ठीक है सब। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।